गुना में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ सरकार पर हमला कर दिया है। बीजेपी के जनाक्रोश रैली में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि नए साल में सरकार ने सिर्फ एक काम किया, वो काम है शराब की दुकान खोलने की। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने उन मंत्रियों पर भी हमला किया जो खुद को सिंधिया का चमचा बताते हैं। कांग्रेस के मंत्री दो हैं, तो बड़ा गर्व करते हैं अपने आप पे, हाँ हम तो चमचे हैं। अरे भैया जनता ने जिताया है, जरा तो शर्म करो। सार्वजनिक रूप से हम तो चमचे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं, धन्य तुम्हारे माता पिता के होगा, जीवन भर रहेंगे, अगले जन्म में भी। जनता को जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनके अधिकार के लिए लड़े, जो उनकी सेवा करे। गुलाम नहीं चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, चमचे नहीं चाहिए। कोई तरीका है मंत्रियों की, कोई गरमा होती है? अगर मंत्री संवैधानिक पद है, मंत्री की अपनी गरिमा होती है। नहीं तो ये सरकार जनता के लिए क्या खाक करेगी? शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ के कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कलेक्टर नहीं सुधरे तो उनके ऑफिस का घेराव होगा। कमलनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है, जो निकल जाओ पेट फाड़ के बाहर निकलेंगे, देख लेना। अत्याचार के खिलाफ लड़ने की जिद है हमें। अरे हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे। मैं कलेक्टर को भी चेतावनी दे रहा हूं, ये जो उलझुल आदेश मानते हो और भाजपा के लोगों को परेशान कर रहे हो, आज चेतावनी देने आया हूं, अगर नहीं सुधरे तो कलेक्ट्रेट घेरने आऊंगा और पूरी जनता का सैलाब आएगा, अकेला शिवराज नहीं आएगा, ये दादागिरी नहीं चलने दूंगा। आगे नियम प्रक्रिया के अंतर्गत काम करोगे, रूल ऑफ लॉ है हिंदुस्तान में, काम नियम प्रक्रिया के तहत करना पड़ेगा। लेकिन उनके कहने पे हम दुम हिलाए और झूठे मुकदमे बनाए, ये नहीं चलेगा। अरे हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे रे, तुमसे क्या डरेंगे? इमरजेंसी में जेलों में गए हम, जब उम्र हमारी 17 साल थी। दुबले पतले हैं लेकिन लड़ने का दम। दरअसल पिछले दिनों कमलनाथ के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें खुद को सिंधिया का चमचा बताने पर गर्व महसूस होता है। महेंद्र सिंह सिसोदिया के बयान के बाद बीजेपी तंज कस रही है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।